अल्लाह तुम्हें शिफा अता फरमाए अच्छा बेटी। बाबा, बेटी, अक्षा बेटी, अक्षा बेटी, हसन तुम जल्दी से बाहर जाओ, मुझे इसका जख्म देखना होगा। बेटी यहां मेरी मदद करो, मुझे जख्म देखना होगा। सिरका तैयार किया तुमने? जी कर दिया है मैंने। जल्दी लाओ। बाबा, इसका जख्म गहरा है। खून तो रुक ही नहीं रहा। ताजा पानी लेकर आओ। तमाम जहानों को पालने वाले तू ही बेघर और तन्हा लोगों का सहारा है। अक्षा को शिफा अता फरमा मेरे मालिक, उसे वो लंबी जिंदगी अता फरमा जो उसके मां बाप को भी नसीब ना हो सकी। अक्षा को सेहत अता फरमा या रब, क्योंकि तू हर चीज पर कादिर है। हमने मन मुआहदे पर दस्तखत किए लेकिन तुमने पासदारी नहीं की उसकी। वो गूंगे करामती शैतान जिनके साथ उन्हें तावन कर रखा है, तुमने उन्हें मुसल्लत किया हमारी खवातीन पर। तुम्हारी ये बात मेरी समझ से बालातर है। हमारा उस हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है, जिन्होंने तुम्हें हमारी तलवारों से बचाया था, और तुम्हें भी दो जाने जिन लोगों ने तुम्हें हमारे कहर से बचाया था, आज उन्होंने हमारी खवातीन पर हमला किया। खा तुमने ये नहीं किया लेकिन उन्होंने हमला किया। अब तुम्हें मुझे उसका नाम और मकाम बताना होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ एक तलवार का फासला है, याद रखना। ये किस बारे में बात कर रहा है मोहतरम तकफूर? कैसा हमला, कौन सा तावुन? ये तो मैं भी नहीं जानता। दिमाग खराब हो गया होगा, फजूल बड़बड़ा रहा था वो।
तो वो हमारे किले फजूल बड़बड़ाने आया था। अगर तुम जानते हो कि वो किसके बारे में बात कर रहा था तो जनरल तुम बताओ, या तुम कुछ बताओ द्योजन। अल्प अरसलान का तो पता नहीं कि किस बारे में बात कर रहा था, लेकिन अगर हम इस पर बहस और तकरार कर रहे हैं तो उसने अपना मकसद हासिल कर लिया। आप जानते हैं अल्प अरसलान की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? वो अच्छी तरह जानता है कि इस कमरे में सबको एक दूसरे के खिलाफ कैसे करना है, और वो ऐसा ही करता है। वालिदा कैसी है? अब भी जख्मी है क्या वो? खैरियत से है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वो लड़की अक्षा, जिसे वो अपनी बेटी की तरह समझती हैं, उसका जख्म गहरा है, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मर्फ से कोई भी तबीब नहीं आया क्या? चलो जल्दी करो, साफ सुथरे कपड़े तलाश करो और उन्हें सामान में रखवा दो। वक्त कम है, हमें फौरन निकलना होगा। चलो। ये भी अच्छा खातून का होगा, इसे भी रख दो, मैं अकनई खातून का सामान लेकर आती हूँ। अल्प अरसलान बुज़ान के बारे में जानता है? सिर्फ इतना ही कि हम उसके इत्तेहादी हैं। मतलब कि सच्चाई? क्या आप अपने मशरिकी इत्तेहादी बुज़ान के बारे में अल्प अरसलान को बताएंगे? काबिले एहतराम तकफूर, आओ। जनाब, मारिया भी जख्मी हालत में सलजू की खवातीन में शामिल है, जेर इलाज है, हालत काफी तश्वीशनाक है। मुझे उसकी हालत से खबर करते रहना। जैसा आपका हुक्म। इससे पहले कि मैं अल्प अरसलान को उसका नाम बताऊं, मैं उससे इस किए का बदला लूंगा। उसने जो किया उसे इसकी कीमत अदा करनी होगी।